हेलो फ्रेंड्स, बरनाला फूड में आपका स्वागत है। आज हम बसंत पंचमी स्पेशल आपके लिए दूध मलाई और बेसन का हलवा लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही स्वाद बना है। आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसी तरह से वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। बेसन का हलवा बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन की ली है। इसी कटोरी से ही सारा मेजरमेंट करेंगे। इसको थोड़ा हल्का रोस्ट करेंगे। थोड़ा करेंगे इसे, थोड़ा हमने रोस्ट कर लिया है 5 मिनट। अब इसमें हम घी डाल लेंगे। घी में इसे चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनेंगे। गैस हमने स्लो कर लिया है। बेसन हमारा भुन रहा है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। बेसन है जो हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी और थोड़ा हमने गुड़ लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है हलवे का। बेसन लिया था उसने उतना ही हमने चीनी और गुड़ लिया है। इसको भी थोड़ा हम भून लेंगे, इससे जो टेस्ट का बहुत फर्क पड़ जाता है। मेल्ट होगी, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध का। और 1 कटोरी हमने मलाई की ली है, इसमें वो भी डाल देंगे। इससे जो पेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे खोआ डाला होता है। थोड़ा हम लिटिल बिट इसमें दूध डाल लेंगे। देखिए हमारा जो हलवा है रेडी होने जा रहा है। हमने बादाम और किशमिश ली है, वो इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल कड़ाही है जो छोड़ देगा हलवा, तब तक इसे भूनेंगे। देखिए हलवा हमारा सारा छोड़ दिया है इसने कड़ाही को, बिल्कुल रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बना है। देखिए जो हलवा हमारा रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। इसको हम थोड़ा ऊपर पिस्ता डालकर डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।